وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وسلموا تسليما جن نے حضور دے غلام بیٹھے نے با آواز بلند روشی پڑھی ہے والا صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ والا علیک و صحابیک یا حبیب اللہ اذا والیم تھوڑا جا تیز کر دو सदा वसदा रवे तेरा द्वारा या रसूल अल्लाह मिलके प्यार ना कह लो सदा वसदा रवे तेरा दवारा जिनू जिनू समझ आ गई मिलके कह लो सदा वसदा रवे तेरा दवारा ला जिथे हुल दे गरीबादा गुजारा ला सदा वसदा रवे तेरा दवारा रब्बे कायनात जल्ल वाला दी हम्द व सना तो बाद दुरूद हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम अहमद मुख्तार हबीब परवरदिगार शफी रोज़े शुमार मदनी ताजदार फख्र कायनात मुस्लिम कायनात इमाम अल्बिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह आलियत हदिया अकीदत पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिब एतराब बुजुर्गों दोस्तों अजीज नौजवान साथियों अजीज भाइयों और मोहतरम मकाम मुनाजर सलाम मुबलग सलाम पीर तरीकत रहबर शरीयत अबुल हकायक उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा साकी साहेब मुजद्दिदी दामत बरकातहु आपने हुक्म फरमाया बंदे नचीज़ हुक्म दी तमील करदे हुए हाजिर है दुआ गो हो खालिक़े कायनात सब दी हाजरी अपनी बारगज कबूल फरमाए हज़रात गिरामी अज दी ए नूरानी पाकीज़ा महफ़िल पाक जिसनों हुज़ूर अली सलाम दे मिलाद दे नाल मनसूब किया गया है दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू हक बयान करने दी तौफीक अता फरमाए दोस्तान गिरामी तबीयत थोड़ी जी नासाज़ है लेकिन तुहाडा सुनन दा अंदाज बदल गया तो इंशाल्लाह मेरा सुनान दा अंदाज बदल जाएगा गल चंगी लगे तो चकना नहीं शर्माना नहीं प्यार ते मोहब्बत नाल खुश होके कहना सुभान अल्लाह मिल के कहो सुभान अल्लाह माशाल्लाह मिलाशी दा महीना हुजूर अली सलातु सलाम दी विलादत ए बासआदत दा महीना है असी
अपने आका करीम अलैहिस्सलाम दे मिलाद दे जश्न मनाने आ, खुशी दा इजहार करने आ, महाफिल दा इनेकाद करने आ, गलियां बाजार सजाने आ। कुछ लोग साढ़े ते इतराज करदे ने जी ये जायज नहीं, फजूल खर्ची है। मैं सिर्फ एक बात करांगा कि बात निस्बत दी है, बात ताल्लुक दी है। देखो इस इलाके दे अंदर, टाउनशिप दे अंदर कोई बच्चा पैदा हो गया ते कदी ऐसा होया है कि आवाज चौक दे लोगा ने वो बच्चा जड़ा इस कलोनी दे अंदर पैदा होया है उन्हां लोगों का इस बच्चे दे नाल ताल्लुक भी कोई ना हो ते वो लड्डू वंडदे हो? बोलो तो सही, कदी ऐसा होया ताल्लुक भी कोई ना हो ते वो उस बच्चे की विलादत ते खुशी का इजहार कर लो? कदी ऐसा नहीं होया और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हजारा बच्चे पैदा होते हैं, लखा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो बच्चा जो कलोनी के अंदर पैदा होया है अगर आवाज चौक वाले लोगों का उस बच्चे के नाल कोई ताल्लुक हो तो वो खुशी का इजहार करेंगे करेंगे कि कोई नहीं करेंगे? फिर आवाज चौक ही नहीं, शहर बदल लो, लाहौर रहने वाला हो, कामुकी का रहने वाला हो, फैसलाबाद का रहने वाला हो, दुनिया के किसी कोने पे मुल्क चेंज कर लो, बिरोने मुल्क बैठा हो, अगर ओदा ताल्लुक उस बच्चे दे नाल है जिहड़ा बच्चा इस कलोनी दे अंदर पैदा होया, टाउनशिप दे अंदर पैदा होया, वो अमेरिका बैठा है लेकिन ओदा ताल्लुक मेरा भतीजा आया है, मेरा भांजा आया है, या मेरा कोई इतना ताल्लुक फला ताल्लुक, वो उत्थे बैठे खुशी का इजहार करेगा। क्यों? के यार ये जिहड़ा बच्चा पैदा होया है इहदे नाल मेरा ताल्लुक, ये मेरा भतीजा लगता है या मेरा भांजा लगता है, मेरे भाई दे घर बच्चा पैदा होया या मेरी हमशीरा दे घर पैदा होया या मेरा दोस्त है उहदे घर बच्चा पैदा होया, इस वास्ते इतना मेरा ताल्लुक है, उठे बैठा खुशी का इजहार करेगा। असी गलियां बाजार सजा के, लाइटिंग का इंतजाम करके, महाफिल का इनकाद करके ते लोगों को दसने आ, लोगो साढ़े ते इतराज ना करो, असी हजूर का जश्न मनाने, हजूर के मिलाद का लोगों को दसने आ कि लोगो साडा ताल्लुक मदीने के ताजदार दे नाल है। जिहड़े इतराज करते हैं मैं समझना उन्होंने ताल्लुक, बोलो तो सही यार, ताल्लुक कोई नहीं, साडा ताल्लुक हजूर नाल असी साबित करना चाहते हैं, गलियां बाजार सजा के कि लोगो साडा ताल्लुक हजूर अल इस्लाम दे नाल है, और जश्न मना के असी लोगों नूं दसने आ और ये साबित करने आ लोगो अल्लाह ने साडे ते अपना फजल किया है। कुल बिफ़ज़ल लाही व बिरहमतिही फबिदालिका फलयफ़रहू। मुफस्सिर फरमाते हैं इस फजल तो मुराद भी साढ़े आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुराद है, और रहमत तो मुराद भी साढ़े आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। तो हुक्म ये कि जो अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले, तो फरमाया फलयफ़रहू, फिर खुशी का इजहार करना है। की करना है? कदों करना है? बोलो तो सही, अल्लाह का फजल मिले ते अल्लाह की रहमत मिले, इन दो चीजों के मिलन ते खुशी का इजहार करना है। फजल और रहमत, मेरा नबी अल्लाह का फजल बन के आया ते मामूली जिहा नहीं बल्कि फजलन कबीरा। ज़ोर अकबर सुभान अल्लाह। मैंने उस्तादा ने हुक्म फरमाया है ते मैं सिर्फ तुहानू इलमी नुकात तुसी उस्तादा को सुनदे हो, उलमा तशरीफ फरमा ने ते मैं ते खादिम आ ते मैं सिर्फ तुहानू सुर सुनाने वास्ते हाजिर होया ते तुहाडे ज़ौक दी तर्जमानी करनी है ते तुसी भी चकना नहीं शर्माना नहीं। मिलाशी का महीना है ते हुजूर दा जिक्र होवे, मिलाशी होवे ते फिर मत्थे ते वट नहीं बल्कि चेहरे ते मुस्कुराहट हो के ते फिर कहना चाहिए सुभान अल्लाह। अदरा खुश हो के कहो हां सुभान अल्लाह। इधर भी आवाज आए मोहब्बत रखो सुभान अल्लाह। अजी इमाम अलंबिया ने सलातो सलाम की आमद ते खुशी का इजहार कर लिया, क्योंकि मेरा नबी फजल बन के आया ते फजल केड़ा बन के आया? फरमाया फजल कबीरा। फजल बन के आया ते फजल कबीरा, ते जी रहमत बन के आया ते किवें दी रहमत? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
सुन के मजा आया मोहब्बत रखो सुभान अल्लाह माशाल्लाह मेरा नबी अल्लाह का फजल भी बन के आया अल्लाह की रहमत भी बन के आया इस वास्ते सी कहने या फजल रे बुलबुला और क्या चाहिए मिलके कह लो फजल रे बुलबुला और क्या चाहिए फजल रे बुलबुला बड़े सौखे जे लफ्ज़ ने हुजूर नाल प्यार करवा लदो दावत देना पिया मिलके आखो फजल रे बुलबुला और क्या ये फजल रे बुलबुला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए मिल गए ए मुस्तफा मिलके मिलके जरा प्यार ना कह लो फजल रे बुलबुला और क्या फिर हुजूर दी आमद थी सारे ने खुशियां मनाई बल्कि सीर ते हलिया पढ़ के देखो समुद्र में रहने वाली मछलियां भी एक दूजे ने मुबारक दे दिया ने पिया कि तेनू मुबारक हो जानवर ने खुशियां मनाई हर चीज ने खुशी मनाई हुजूर अली सलातो सलाम की आमद थी लेकिन एक बंदा वो बड़ा ही रोया गार में मुंह दिता तो रोई जाता है ओदे शागिर्द इकट्ठे होके आ गए आके कहंदे नु साजी की गल क्यों रोंदे हो वजह की है उस आख्या रोंदा इस वास्ते वा अज नबी आखिर जमा नबी आखिर जमा उस आके एक केड़ी गल है एक नवी गल है इन्ने नबी आए ने आदम अलैहि सलाम तो लेके ईसा अलैहि सलाम तक 1,24,000 कमो बेश अंबिया आए ने किसे नबी दी आमद ते तेनू इंज रोंदे नहीं वेखिया लेकिन इस नबी दी आमद ते तू रोना है वजह की उस आख्या रोंदा इस वास्ते वा अगर चे अगे भी अल्लाह दे नबी आए ने रसूल आए ने बड़िया बड़िया शाना वाले आए ने लेकिन ये नबी सारिया तो आला है सारिया तो अफजल है उन्हें कहो सादी किड़ी गल सारे नबी आला ने सारे नबी शान वाले ने तू कौन जी बुजदिल हो गया तू बुजदिल हो गया उस आके मैनू बुजदिल ना कहो मेरे कारनामे ते वेखो पिछले साख्या तेरे कारनामे केड़े ने हुन शैतान अपने कारनामे गिनांदा है पिया ओ रोण वाला कौन सी शैतान कौन सी बोलो शैतान कहंदा मेरे कारनामे ते वेखो मैं आदम अलैहि सलाम तो लैके ईसा अलैहि सलाम तक सारे दा मुकाबला करदा रहा नूह अलैहि सलाम दा मुकाबला कीता 950 साल तबलीग कीती मैं 90 तो कानवा बंदा नाल नहीं लगन दिता ये मेरी मेहनत सी हजरत मूसा अलैहि सलाम 40 दिन वास्ते कौम चो बाहर गए ने मैं पिछो सारी कौम नु चुजा ते ला दिता ये मेरा कमाल नहीं वो अपने कमाल गनांदा है पिया उन्हें क्या उस्ताद तेरी समझ नहीं आउंदी इन्ने कमाल होण दे बावजूद सारे नबियां दा डट के मुकाबला करदा रहा है लेकिन इस नबी दी आमद तू क्यों रोया है उस आके इस नबी दी आमद इस वास्ते रोना नूह अलैहि सलाम ने 950 साल तबलीग कीती ते मैं सके पुत्र नु नाल ही लग दिता लेकिन ये वो नबी आया जिन्हें इशारा करना है ते अबू जहल के पुत्र ने भी कलमा पढ़ लेना है अबू जहल के पुत्र ने भी कलमा पढ़ लेना है उसा क्या होर उसा क्या ये नबी इतनी फजीलत वाला है इस शान का मालिक है कि इशारा करे डूबिया सूरज वापस आ या जोर ना कबो सुभान अल्लाह खुश होके कबो सुभान अल्लाह उसा क्या ये मैं इस नबी की आमद से रोंदा इस वास्ते बाद कि ये नबी इन्नी शान वाले है इन्हें पत्थरों को इशारा करना है पत्थरों ने भी कलमे पढ़ लेने हैं बल्कि मसन विषय पढ़ के देखो अबू जहल आया हाथ में 6 रोड़े फड़े ने मुट्ठी बंद की थी आन के कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसो मेरी मुट्ठी थी की हुजूर इस्लाम ने फरमाया अबू जहल मैं दसा कि तेरी मुट्ठी वाली चीज बोले मैं की है मैं दसा या तेरी मुट्ठी वाली चीज बोले मैं की है उस आख्या अगर मुट्ठी वाली चीज बोले तो क्या बेहतर हो जाएगा हुजूर इस्लाम ने फरमाया इशारा किया
ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਸਨ ਹਰ ਕੈਂਕਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸਲਾਤ ਉਸਲਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੂ ਵ ਰਸੂਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਖਤ ਚੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਰੀ ਅਜ਼ਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚਿਲਾਇਆ ਕਹਿ ਲਗਾ ਰੋਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾ ਇਹ ਨਬੀ ਸਾਰਿਆ ਨਬੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਨੇ ਚੰਨ ਤੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਖਲੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਬੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਮਾਮ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਖਾਤਾਦਾਰ ਬਰੇਲੀ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਇਹ ਤਜਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਓਲਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾ ਬਣੀ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਓਲਾ ਹਮਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਆਖੋ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਓਲਾ सबसे बाला हो हमारा नबी सबसे आला हो ओला हमारा नबी सबसे आला हो यार इंजनी चकरा नहीं शर्मा नहीं आओ मेरा नबी सारे नबिया तो आला ए रब दा कुरान भी कहंदा है पिया फिर क्यों शर्मा दे मिल के आखो सबसे आला ओ ओला हमारा सबसे बाला ओ हमारा ਰਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਓ ਇਮਾਮ ਉਲਬੀਆ ਰਸਾਲ ਸੁਸਲਾਮ ਆਓ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਪੜਨਾ ਫਿਰ ਜਾਜ ਚਾਹਦਾ ਓ ਮੇਰਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਯਾ ਜਿਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਔਰ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਪਾਕ ਪੁਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਾਕ ਰਹਿਮਾ ਚੋਂ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋਤਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਨੇ ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਕ ਆ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਪਾਕ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਤਾ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਇਹ ਨੂਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਦਾ ਨੂਰ ਪੁੱਛੇ ਆਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨੂਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਦਾ ਨੂਰ ਪੁੱਛੇ ਆਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਲਾਇਕਾ ਯਾਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਮਾਮ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦਾ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੂਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਜਦਾ ਨੂਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨੂਰ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਲਾਇਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਵੀ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ
ਖੁਦਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜਸੂਸ ਵੜਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਨੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਜਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਆਦਮ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਬੀ ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਇਸਲਾਮ ਆਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਦੀ ਜਸਦੂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਆਦਮ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਲਫਤ ਵੇਖੀ ਨੂਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਆਦਮ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਖੁਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਦਮ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆਦਮ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਲਾਇਕਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਦਮ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਓ ਨਾ ਬਿਲ ਮੂਮਿਨੀਨ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਨਬੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਾ ਯੋ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਉੱਚੀ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮਹਬੂਬ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਬੂਬ ਮਿਲਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਮਹਬੂਬ ਮਿਲਦਾ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਸਲਾਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਬਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਅਗਰ ਬਦਲ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਖਜ਼ਰਾ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਓ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਆਮਿਰਾ ਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਲਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਮ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਆਪ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਹੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਜੜੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਉਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮਿਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਏ ਅਸਾਂ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆਮਿਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈ ਏ ਉਦਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਉਦਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਇਮਾਮ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਲੀ
वाला आ गया हर था सवेरा हो गया आहो ना मिला पड़ा मिल गया खो कमली वाला नहीं यारे जिदा दिल करता है बंदा हाथ खड़ा करे सो दी ना पड़ना कोई कसम नहीं फरवाज नहीं जिदा दिल करता है चुप कर माशाल्लाह सुभान अल्लाह इन कदी मिलके पढ़ो माशाल्लाह नौजवान बैठे ने मिलके मोहब्बत रखा लो कमली वाला आ गया हर था सवेरा मेरा नबी आया तो सवेरा हो गया कमली वाला आ गया हर था सवेरा कद चाक मिलल्लाह नूर कमली हर था सवेरा आओ हुजूर दी विलादत तो बाद पहले दी बात सुनांदा जावा सैयदा यामिना फरमांदियां ने जदों मेरे नूर मेरे शिकम दे अंदर आया फरमांदियां ने मैनूं पानी दी लोड़ पई पानी लैण वास्ते कुएं ते गईआं महल्ले दे औरतां परेशान खलोतियां ने मैं जाके करीब खलो गई सहेलियो परेशान क्यों खलोतियां ने उन्हां आख्या यामिना बड़ी देर दी आया आवा पानी थले चला गया नीवा हो गया वे वापस घर भी जाना है सैयदा यामिना ख्याल करी मेरे यार दी मां नूं चुकना ना खूदिया पानिया वेखी मेरे यार दी मां नूं चुकना ना पै जे सैयदा यामिना फरमांदियां ने की होया वेली की आ ओ पानी जड़ा नीवा जड़ा नीवा होया सी छल्ला मारदा मेरे कदमां नूं बोसे प्या देंदा ए पानी छल्ला मारदा मेरे कदमां नूं बोसे प्या देंदा ऐ फरमांदियां ने नाले आवाज आ रही आमिना तेरे मुकद्दरां नूं सलाम होवे आमिना तेरी अजमत नूं सलाम होवे इमामुल अंबिया दी मां बनवालीए सैयदा यामिना फरमांदियां ने जदों आवाज मेरे कन्नां विच आई मैं पुछनी आ मैनूं बारकां देण वालिया तू कौण ऐ मैनूं सलामियां देण वालिया तू कौण ऐ आवाज आई बीबी परेशान ना हो मैं खुदा पानी तेनूं सलामियां मैं खूदा पानी तेनू सलामियां दे रहा वा आवेख साडे आका दी वालिदा माजदा दा की मकाम ऐ सैयदा यामिना फरमांदियां ने मैं हैरान होके पुछनी आ खूदिया पानिया अगे रोज तेरे कोल आउंदी रही आ अगे ते कदी सलाम नहीं देंदा रहा अगे ते कदी मुबारकां नहीं देंदा रहा अज तेनू की बणिया ऐ अज बोल के सलामां देना ऐ पिया बड़ी तवज्जो नाल जुमला ज़ाहिर ना करना सैयदा यामिना फरमांदियां जदों पानी नूं पुछिया अज सलामा क्यों दे लाए उस आख्या बीबी पहले और विच हुण और विच जमीन आसमान दा फर्क है फरमाया केड़ा फर्क है पानी बोल के कहंदे बीबी अगे कल्ली आउंदी सै अज हौज़े कौसर दा वाली तेरे नाल आया है फिर कह लो सुभान अल्लाह उस आख्या बीबी अगे कल्ली आउंदी सै अज हौज़े कौसर दा वाली तेरे नाल आए कमली वाला आ गया हर था सिले दा झोला की आखो कमली वाला आ गया हर था सवेरा फिर और क्लोज करना सीधा यामिना फरमा दिया कि हो जाओ वेला बीता जाता है फरमा दिया कि हो जाओ ओ रात आ गई जिस रात ही सुबह हुजूर ने आना सी फरमांदियां ने ओ रात आ गई ते फरमांदियां ने मैनूं थोड़ी जी घबराहट महसूस होई ते वेली की आ एक हाथ नमूदार होया उस हाथ विच प्याले प्याले विच पानी है ओ पानी शहद नालों मिठा है दूध नालों ज्यादा सफेद है मुश्क ते अंबर नालों ज्यादा खुशबूदार है मैं तुहानूं पुछना
जन्नत दी नेमत जन्नतियां वास्ते ने या जहन्नमियां वास्ते ने? बोलो तो सही। जन्नत दी नेमत जन्नतियां वास्ते ने या जहन्नमियां वास्ते ने? ते ओ प्याला जन्नत चो आया सी। अज लोग इतराज करते नहीं हुजूर दे वरदान ने कलमा नहीं पढ़िया लिहाजा जन्नत च नहीं जा सके। मैं कहना तेरा एक पुत्र हाफिज कुरान होवे ते कहना सत पुछता जन्नत च लेके जाएगा जेड़ा साहिब कुरान होवे। और आओ कुरान ने एक बड़ा अजीब जिहा वाकया बयान किया। हजरत यूनुस अलैहि सलाम जिस मछली के पेट के अंदर 39 दिन या 40 दिन तक मुबिश ठहरे ने, इहदे ते सारिआं दा इत्तेफाक कि मछली जन्नत च जाएगी। वह मछली बोलो तो सही, वह मछली जन्नत जाएगी। रब ने फरमाया मछली तेनू इनाम देना या ना की? फरमाया तू मेरी अमानत मेरे पैगंबर नू अपने पेट विच महफूज रखी है। ते फरमाया जा इनाम देना, कयामत तक तेरी गर्दन ते कोई छुरी नहीं चलाएगा। वह मछली जन्नत जाएगी। तो हजरात सोचने वाली गल है, वह मछली जन्नत च क्यों जाएगी? तवज्जो है, वह मछली जन्नत च क्यों जाएगी? इस वास्ते उदे पेट दे अंदर अल्लाह दा पैगंबर 40 दिन वास्ते ठहरे। जिस मछली दे पेट दे अंदर हजरत यूनुस अलैहि सलाम ठहरन, ते मेरा नबी थी होवे जिहड़ा यूनुस अलैहि सलाम दा भी नबी है, ते ओ मछली जन्नत च जाएगी। ते यूनुस अलैहि सलाम दा नबी बल्कि सारे नबियां दा नबी इमामुल अंबिया, जिस मां दे पेट दे अंदर एक मां नहीं दो मां नहीं नौ मां ठहरे होणगे, उस मां दा की मकाम होवेगा? ज़ोलक सुभान अल्लाह। साडा ते इमाम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर ने कुरान भी कहता है, फरमाया कद जाक मिन अल्लाह नूर। और हुजूर ने पहले ही दसणिया फरमाया, लोगो मेरी मां भी पाके, मेरा बाप भी पाके, मेरा खानदान भी पाके। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फिर कलम उठाई, फरमाया सोनिया तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। मिलके जरा प्यारी वाला या खो, तू है अहले नूर तेरा सब घराना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मिल गया खो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। फिर मुसलमान भाई वेला करीब आया, सैयदा यामिना फरमा दिया ने सोने दी विलादत बसादत होइए। फरमा दिया ने की होया, एला चल लो ये एला चल लो या बैठी मक्के चा मुल्के शाम दे महलात वेख रे या जिस मां दी गोद विच नबी आवे उस मां दी नजर दाए आलमे बैठी मक्के होवे मुल्के शाम तक नजर चली जाती है, तसव्वुत करो ना यौण वाले दी नजर कित्थों तक जाती होवेगी। सैयदा यामिना फरमा दिया ने सोने दी विलादत हो गई। अंडा गवंडा मेरी सहेलियां इकट्ठियां होके आईयां, आन के कहंदे आमिना पता चले अल्लाह ने तैनूं बेटा अता कीता है। फरमाया हां, फरमाया आमिना वो लाल आने वाला दिखाओ तो सही ना, वो माँ वर गए बाप वर गए नानकिया ते गया है या दाद क्या ते गया है किस तरह का है? ते सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा दिया ने, मैं दरवाजा खो दिता ते फरमाया नहीं अंदर आ जाओ, मैं अपना लाल दिखा देनी है, वेख के फैसला आप ही कर लिया जी। हुजूर दी वालिदा दी माजदा दी सहेलियां अंदर दाखिल हो गई, आप उस जगह ते लै गई जिथे हुजूर अली सलातो सलाम आराम फरमा सन। अंदर दाखिल हो गया ना अल्लाह उपर, ते वेखन की आईया ने आका करीम अली सलाम हुजूर नु वेखन आईया ने ओ औरता, ते अंदर दाखिल हो गया ते सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अनहा ने जदो हुजूर अली सलाम दे चेहरे अकदस तो कपड़ा उठाया ना, ते जेड़ी जेड़ी वेखदी जांदी है फरिश्ता हुंदी जांदी है। एक बोली कहंदी आमिना बड़े बड़े बच्चे पैदा होए ने पर तेरे लाल दा साली ना कोई आया है ना कोई अगो आना है। हुजूर दी अजमत दी बात हो रही है, मोहब्बत रखो सुभान अल्लाह।
एक बोल ही कह दिया लेला दूजी नु मुखाते मुखाते करके कह दिया शेर यारो कह दिया नी देख नी और वाला किना सोना है दूजी बोली उस आके नी देख देख नी और वाले ने अखा कडिया सोरिया रे एक कह दी नी सुल्फा बढ़िया सोरिया रे एक कह दी नी पेशानी बड़ी सोनी है हुजूर दा चेहरा देख के हर औरत कह रही है एक कह दी नी पेशानी बड़ी सोनी है एक कह दी नी अखा बढ़िया सोरिया रे एक कह दी नी सुल्फा बढ़िया सोनिया रे ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब दी नजर पै गई उस बंदे नु अपने रंग विच ब्याह कीता आ फरमांदे नहीं मेरी मां दी सहेलियो सारी इकट्ठिया हो के कह रही आले इक कहदी नहीं पेशानी बड़ी सोहनी है इक कहदी नहीं जुल्फा बड़िया सोहनिया ने इक कहदी नहीं रुखसार बड़े सोहने ने ता दारे गोलड़ा फरमांदे ने मुख चलदी बदल शाह यार बड़ी सौखा शेर है जे पढ़ो ना ते मजा नहीं मिलकदा प्याला या खो मुख चल दी बदल शाह शाही ए मुख चल दी बदल शाह जिलू जिलू सोना लगदा है मिलके या खो मुख चल दी बदल शाह ये मुख चल दी बदल शाह मथे चमक दी लाट नुरानी है मथे चमक दी लाट ये मथे चमक दी लाट नुरानी है काली जुल्फ ते अखी ये काली जुल्फ ते अखी मखमूरी अखी है बदबरिया अगे तादार गोला आसमान ने मेरे नबी दिया बादिया सेरिया खलोतिया ने तसव्वुर ते करो ना ओ कैसा समय होवेगा खलोतिया ने तादार गोला फरमांदे ने ओ कहदिया हो गया इस सूरत नु मैं इस सूरत नु मैं जाना खा इस सूरत का जाना खा के जाने जहाना खा जाना खा के जाने सच आखा तेरा बदी में काश के समझो की कहना चाहना सच आखा तेरा सिले दा झोला के आखो सच आखा तेरा बदी जिस शाल थी शाना सब बलिया इस शाल थी फिर मुसलमान भाई वेला गुजरते पिया चंदे गुजरे इकट्ठिया हो के फिर आ गया सहेलिया आल के कह दिया या मीना सारी सारी रात दीवा बंदा छड़ दे नी है या मीना ये ना खर्चा ना करिया कर सहेला या मीना फरमा दे नी कदो मैं कदी राती दीवा बालिया नी एक बोली कह दिया मीना मैं अपने अखा दे नाल वेख्या है रात दा वेला सी मैं रात उठी वेख्या तेरे घर दे विच नूर दा लाटा आसमान वल जा रिया तेरे घर दे विच नूर दा लाटा निकल के आसमान वल जा रिया सन दूजी बोली तीजी चौथी उहदा पिया हां आमीना फिर बड़ा तेज लाट निकलदा सी पिया सैया आमीना फरमा दिया नहीं असल गल ए वे गल तुहाडी ठीक है लेकिन फरमाया असल वजाए वे फरमाया नहीं सुनो जदों रात दा वेला हो जांदा है मैं दीवानी पालदी मैं चराग बुझा देनी आ जड़ा नूर तुसी वेंदिया जे फरमाया नहीं कोई दीवा नहीं बलदा टाउन
हाउस के अंदर रहने वालों बड़ी तोजो चाला फरमाया नहीं कोई दीवा नहीं बलदा कोई चिराग नहीं जलदा होंदा आखे या बिना फिर कादा चाल निकलदा है सैयदा या बिना फरमा दिया ने मैं अपने सोने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु लटा दे मियां सारी दुनिया सो जांदी है मैं अपने महबूब दे चेहरे तो कपड़ा चुक दे लिया नूर दिया लाटा निकलन लग पैंदी है फिर कह लो सुभान अल्लाह फरमाया नहीं जरा चांदन मेरी जाने वो कुछ रहा गुलाल डर को दीवारी फरमाया वो मेरे सोने मुहम्मद चेहरे तो निकल रहा हूँ दावे फिर तादारे गोला ने भी सच्चा किया ना मुख चल दी पैदल कदी कदी थोड़ा जा जोर ना थोड़ा जा थोड़ा ते आ जाए ना ते मजा आ जाए थोड़ा जा जोर ला के मुहम्मद लाया खो मुख चल दी पैदल शाह ये मुख चलती पैदल बदायल अल्लाह बिजली वसीराज मुनीरा मुख चलती पैदल ये मथे चमकती लाट नूरानी ये मथे चमकती लाट काली जुल्फ ते अख मस फिर के तादार गोला हाथ जोड़ के खलोगे आखिया सुभान अल्लाह सुभ ए ते बड़ा ही सोखा ना यार मैं के आखो सुभान सुभान अल्लाह सुभान आज मलका मा अहसलका मलका कितने मेरे अली कितने तेरी सना कितने मेरे तसव्वुर ते करो ना ताजदारे गुल्ला ए हुई कफियत होवेगी मेरा विजाल कहता ये खचवा सू जारी होर गए कहंदे होर गए सोणिया मजाक के काजल वालिया सोणिया मैं कौन आ तेरी तारीफ करन वाला सोणिया तेरी पेशानी होवे तेनु वल फजर दा लकब रब देंदे पिया सोणिया तेरीया जुल्फा होवे तेनु नु वल लै दा लकब रब देंदे पिया सोणिया तेरे अखा होवे मजाक अल बसर व मातगा दा लकब रब दे ਦੇ ਪਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ ਵਬਾਇੰਤੀ ਗੁਲਿਲ ਹਵਾ ਇਲ ਹੁਆ ਇਲਾ ਵਹੀ ਯੂਹਾ ਦਾ ਲਕਬ ਰਬ ਦੇਂਦੇ ਪਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ ਬਤੁਹਾ ਦਾ ਲਕਬ ਰਬ ਦੇਂਦੇ ਪਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ आदत हो गई इधर रवाज के मुताबिक दाइयां का काफिला चलिया आओ चलिए मक्के जानिया वा बच्चे लेके उलिया उस वेले दा रिवाज सी उन दाइयां दे काफले दे अंदर एक बड़ी ही गरीबनी जिहड़ी आप भी कमजोर है उहदी डाची सवारी भी कमजोर है ते हलीमा सादिया कहंदियां ने मैं उहनां दे नाल टुरदी आ रही हां ते हालात बड़े नाकस जे सन जिहड़ी माश भी नहीं कोई आमदन दा सिलसिला भी नहीं ते फरमादियां ने बड़ा औखा जिहा गुजारा हुंदा सी पिया ते दाइयां दे नाल मशवरा कीता ते नाल टुर पई फरमादिया ने मैं जे मक्के दाखिल नहीं हुई
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੋਈ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹਲੀਮਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਆ ਗਿਆ हलीमा रोना रोंदिया चुप कराने वाला आ गया है हलीमा ना रो हलीमा कहने लगे फिर भी होया मेरा भाव नहीं है कहीं वह वाली हलीमा तेरे अज चर्ब कमाया जा रहा है अज चर्ब हलीमा तेन मुबारक हो मैं हैरान हो गई परेशान हो गई अज मामला बने अज ते पत्थर भी कलाम करते ने पे आवाज आई हलीमा परेशान ना हो हैरान ना हो पत्थर कलाम क्यों ना कर पत्थर नु कलमे पढ़ाने वाला नबी तशरीफ लेके आ गया जिथों कदी कोई खाली वापस आउंदा ही नहीं फरमांदियां मैं उस दरवाजे ते चली गई दस्तक दित्ती सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लेके आईयां ते फरमाया पुछया कौन अर्ज की मेरा नाम हलीमा सादी है फरमाया किथों आई है जी मैं ताइफ विचों आई हूं फरमाया कबीला केड़ा अर्ज की बनू साद फरमाया हलीमा अंदर आ जा बड़े दिन गुजर गए ने मैनू भी तेरी खाबा दोस्तों ने ग्रामी मौजू बहुत वीर है ये मोहब्बत दी गल्ला ने प्यार दी गल्ला ने ते फिर इंशाल्लाह तेरी सेहत सही होई ते इंशाल्लाह फिर किताब सुनावांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआए जो कुछ सुनिया सुनाया मुस्तकम दी तौफीक अता फरमाए मैं अपने उस्ताद मोहतरम दा बहुत ही मशकूर ममनून हां कि आपने हुक्म फरमाया और ज़ियारत दा मौका भी अता फरमाया दोस्तान निगरामी यार जिंदा सुबह बाकी वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।